नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार यमराज है। मैं एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने झोपड़े से और मकान तक का सफ़र तय किया है। बहुत ही मेहनत की है और बहुत से काम किए हैं, छोटे से लेकर बड़ा काम तक किया है मैंने। मैंने फोटोग्राफी की, स्टूडियो किया और प्रेस भी ज्वाइन किया। उसके बाद मैं थिएटर लाइन से आया। मेरा परिवार बहुत मिडिल क्लास का था और जो है किसी तरह से हम लोग अपना गुजर बसर करते थे। फिर हमारे पिताजी सरकारी जॉब में आए, फिर वहाँ से जो है हम लोगों का थोड़ा से जो है आगे की ओर बढ़ाव हुआ और फिर मैं और मेरे पिताजी सब मिलकर आगे बढ़ते चले गए। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस भगवान का और अपने माता पिता का कि उन्होंने अपने से 10 गुना मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और आज भी जो है हमें माता पिता का पूरा सपोर्ट मिलता है। मैं इस लाइन में 18 से 20 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ इस विधा में। और मैंने अपना करियर थिएटर से शुरू किया और थिएटर करते 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 मैं सीरियल्स में आया और शॉर्ट फिल्में की, फिल्म की और फिल्में की, और लोगों से बहुत प्यार मिला, बहुत मान सम्मान मिला और मैं करता ही चला आ रहा हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। आप लोगों के आगे मनोरंजन की अच्छी अच्छी चीज़ें लेता रहूँगा। अभी हमारी फिल्में कुछ आने वाली हैं, जैसे फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, कागज़ और सरमन जोशी जी के साथ बबलू बैचलर, और अभी हमारी चीट इंडिया गई है। भोजपुरी में मैंने भी काम किया है, मितवा प्रोडक्शन हाउस से मैंने किया है, भैल तोरा से प्यार शॉर्ट फिल्म में भी की है मैंने कई, और खुद भी अब डायरेक्शन करने लगा हूँ शॉर्ट फिल्में और फिल्मों का। और अभी हमारी फिल्म अवधि तत्व में आ रही है और शॉर्ट फिल्म मैंने अभी किया है बैड टच, और एक शॉर्ट फिल्म और करने जा रहा हूँ क्यों, उसके बाद भोजपुरी फिल्म है दो कलियाँ। और मैं लगातार निरंतर जो है कार्यरत हूँ और मेहनत कर रहा हूँ कि सफलता कब मिलेगी, और सफलता मिल रही है और आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं आज इस ऊँचाइयों पे हूँ। लखनऊ में भी लोग मुझे, सभी लोग जानते हैं, जितना भी कलाकार वर्ग है सभी मुझे जानते हैं संतोष कुमार यमराज के नाम से। मुंबई में भी लोग मुझे जानते हैं, कम से कम 25% लोग मुझे जानते हैं। मुंबई में भी मैंने शूट किया है कहानी किस्मत की, मैंने की और भी सीरियल और फिल्म करके आया हूँ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके आया हूँ वहाँ से। निरंतर करता ही चला आ रहा हूँ और करता ही चला जा रहा हूँ। अब वो जो है आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग उसको सराहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद आप लोग देते रहिए। बड़े हर्ष की बात है और बड़े खुशी की बात है कि द दस्तक 24 ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हमारा जो है इंटरव्यू लिया, पर्चे लिया। मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो मुहिम छेड़ा है कलाकारों के लिए और आम जनता के लिए, कि जो दबे हुए लोग हैं, जो जिनको लोग जानते नहीं हैं, उनके लिए जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए इनको सल्यूट है। और ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, और जो दबे कुचले लोग हैं जिनको मीडिया नहीं जान रही है और उनके अंदर कूट कूट के प्रतिभाएं भरी हैं, उनको वो आगे ला रहे हैं, इसके लिए उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप सभी लोग हमको और जो भी कलाकार या जो भी लोग जो सम्मानित लोग हैं उनका आप हौसला अफजाई करिए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।